हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एमएस एक्सेल कोर्स पार्ट 28। एंड अभी आज अपन सीखने वाले हैं पाइवट टेबल में ऑटोमेटिक रिफ्रेश के बारे में। देखो, जब भी अपन कोई भी चेंजेस करते हैं अपने पाइवट टेबल में, पाइवट टेबल की क्वांटिटीज में, अमाउंट में, या किसी भी टाइप का अगर अपन चेंज करते हैं, तो उस चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपने को पाइवट टेबल में जाके उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी अपन रिफ्रेश ऑटोमेटिक करने के लिए एक छोटा सा कोड देने वाले हैं और उसके बाद चीजें अपने आप चलने लगेंगी। ठीक है, जैसे अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो वहां पे वो सारे जो भी चेंजेस आपने किए होंगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो उस चेंज को अप्लाई करने के लिए अपन यहाँ पे कोड यूज करने वाले हैं। कोड अपन टाइप करते हैं एक्सेल के वीबीए में, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में। अब विजुअल बेसिक में अगर अपने को जाना है तो उसके लिए अपने को सबसे पहले एक शॉर्टकट की है, Alt+F11। Alt+F11 करते ही आप विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के माइक्रोसॉफ्ट कोड में आ जाओगे। अगर ये आप नहीं करते हो तो इसके लिए आपको फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है। इस ऑप्शन में, यहाँ कस्टमाइज रिबन में, ये जो डेवलपर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस डेवलपर के ऑप्शंस के थ्रू आप चीज़ों को ऑन कर सकते हो। क्योंकि ये जो डेवलपर का रिबन है, जैसे मैं इस डेवलपर रिबन को एक्टिवेट कर लेता हूँ, तो जैसे मैं डेवलपर रिबन में जाता हूँ तो यहाँ पे विजुअल बेसिक कोड इसका एक जो पूरा का पूरा टैब है, एक पूरा का पूरा ऑप्शन है, वो बन के आ रहा है। तो अपने को इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद अभी जैसे ये ब्लैंक वर्कशीट है विजुअल बेसिक की, तो इसमें अपने को व्यू में जाना है और व्यू में अपने को प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाना है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाने के बाद जिस शीट में अपना मेन डेटा रहेगा उस शीट के कोड को अपने को व्यू कर लेना है। उसके बाद अपने को इस जनरल को वर्कशीट में चेंज करना है एंड डिक्लेरेशन को अपन चेंज करके कोड में कन्वर्ट कर देंगे। इसको वर्कशीट में एंड सिलेक्शन चेंज को चेंज करके चेंज में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये जो अपना डेटा यहाँ पे जो भी कोड आ रहा है इसको अपने को डिलीट करना है और इस कोड को एंटर करते हुए थोड़ा सा नीचे लाना है और एक सिंपल सा कोड देना है अपने को, एक्टिव वर्क बुक डॉट रिफ्रेश। जैसे आप REF ये टाइप करेंगे तो रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। इसको अपने को टैप करना है अगेन 2 बार या 3 बार, जो भी आपको एंटर करना है आप एंटर कर सकते हो। एंड इसके बाद अपने को जाना है अपने एक्सेल शीट में। अब यहाँ पे सपोज मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रियलमी के डेटा में एक छोटा सा चेंज, छोटा सा अमाउंट या क्वांटिटी में मैंने चेंज कर दिया और मैं कर दूंगा इसको एंटर। एंटर करने के बाद मैं शीट 3 में जा रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑटोमेटिकली डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली डेटा अपना चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, साथ ही साथ अगर आप रियलमी के सेक्शन में देखते हो तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस नजर आएंगे। रियलमी का सेक्शन में बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। ठीक है, वैसे अगर अपन शाओमी के केस में कुछ चेंजेस करते हैं, सपोज मैंने ये एक नंबर ले लिया, एंटर कर दिया, मैं शीट 3 में जा रहा हूँ, तो अब वो शाओमी के सिनेरियो में भी वो चीजें बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपना ओवरऑल रिफ्रेश, ऑटोमेटिक रिफ्रेश है वो वर्क करता है और इस तरीके से अपन ऑटोमेटिक रिफ्रेश को ऑन कर सकते हैं थ्रू डेवलपर टैब और थ्रू शॉर्टकट की Alt+F11। ठीक है, तो दोस्तों बस यार इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। अभी मैंने आपको एकदम सिंपल सा टॉपिक समझाया है कि कैसे आप चीज़ों को ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे कुछ और न्यू चीज़ें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।